नत्वाजिनेन्द्रं गति सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरक्षते स्वल्पधियां हिताय। कल हमने अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों की चर्चा की, उनके उदाहरणों पर भी हमने चर्चा की। आगे बढ़ने के पूर्व और थोड़ी सी बात करनी है। वैसे आगे जब हम घाती कर्म और अघाती कर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा। इनकी परिभाषा ये है कि जो अनुजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, और जो अनुजीवी गुणों का घात न करे वे अघाती कर्म। इसका मतलब जो परिभाषाएं दी गई है घाती और अघाती की, वे अनुजीवी गुणों की तरफ से दी गई है। इसमें आगे तो चर्चा करने का मन है ही, बराबर इसमें है नहीं क्या वे प्रश्न घाती अघाती वाला? हाँ देखिए, इसमें 230 और 231 ये दो प्रश्न है इसके 46 पृष्ठ पर। हम कभी देखेंगे ये नहीं कह सकते, और जब देखेंगे तब तो मैं पूरी चर्चा फिर से करूँगा। आज 5 मिनट फिर से चर्चा करनी है। ऐसे दो दो जिनवानी एक टेबल पर लेके नहीं बैठना, थोड़ा इसका विवेक रखना कि हमारे साथीगण भी इसमें से शेयरिंग कर पाए, ठीक है? मैंने कल फिर से बात की है इन लोगों से, देखते हैं अब क्या होता है। ये वाली दे दे, ये वाली मंगा दी वहां से। ये तो रत्नमाला है, इनसे कोई काम नहीं निकलेगा निकलेगा अपना है, लेकिन वो तो होगा, कोई बात नहीं है। देखिए सुनिए, अभी घाती और अघाती की चर्चा है। इसमें 230 और 231 नंबर का प्रश्न है। जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को घातते हैं वे घाती कर्म, जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को घात नहीं करते वे अघाती कर्म। आगे देखेंगे, अभी थोड़ी सी रूपरेखा में जमाओ। देखो परिभाषा तो ऐसी भी हो सकती थी, जो अणुजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे सो अघाती कर्म। लेकिन उसमें दिक्कत यह पड़ती, जब दोनों में घात करे ऐसा शब्द आया तो फिर दोनों का नाम देना पड़ता ना घाती कर्म, बात एक। बात दूसरी, फिर परिभाषा ऐसी देते कि जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, जो प्रतिजीवी गुणों का घात नहीं करे सो अघाती कर्म। उसमें क्या होता, उसमें जिसको आज हम घाती कहते उसको कहते अघाती, और जिसको अघाती कह रहे उसमें कहते घाती। तो ऐसा भी क्यों नहीं किया? उसमें आपत्ति ये थी क्योंकि अनुजीवी गुणों की तरफ से ही परिभाषा देनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुजीवी गुण ही हमारे लिए प्रयोजनभूत है, या यूं कहिए अधिक प्रयोजनभूत। क्योंकि अनुजीवी गुणों का पूरा विकास होने के बाद, और अनुजीवी मतलब ज्ञान सुख चारित्र ये पूरा हो जाए, तो प्रतिजीवी नहीं भी पूरा हो जाए तो भी ऐसा क्या फर्क पड़ना है? अरहंत अवस्था है, क्या फर्क पड़ रहा है? प्रतिजीवी गुणों का पूर्ण विकास हुए बिना भी जीव अनंत सुखी हो सकता है, अनंत ज्ञानी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण तो अनुजीवी गुणों का प्रकट होना है, इसलिए अनुजीवी गुणों की तरफ से ही परिभाषा बताना इष्ट समझा है। कितने जनों को यह प्रकरण समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है? मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी इतना प्रकरण मेरा लेने का भाव था, अभी जब वो प्रकरण आएगा हम फिर तब खड़े होंगे, ठीक।
आज बोलिए प्रतिजी भी गुणों का विकास नहीं हुआ तब भी अरहंता अवस्था तक हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या रोक पाया वो हमारा, वो हमारा क्या कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। अनंत सुख हुआ अरहंतों को, क्या हुआ, अनंत सुख हुआ, अनंत ज्ञान हुआ, अनंत दर्शन हुआ, मतलब सुख तो नहीं रुकेगा और जीव मात्र का प्रयोजन सुखी होना है तो प्रतिजीवी गुण विशेष बाधक नहीं है, इसलिए मूल परिभाषा अनुजीवी गुणों की तरफ से देना इष्ट समझा है। कितने जन समझ रहे, देखो मैं थोड़ी एक बात बताऊं आपको, घर में चार पुत्र है, चार पुत्र में मान के चलिए प्रशम सव्यग अस्तिक्य अनुकंपा, ये चार पुत्र है मां के, और कर्ता धर्ता अस्तिक्य है, कर्ता धर्ता अस्तिक्य, तो मां बाप की पहचान जगत में किसकी तरफ से होगी, बहुत अच्छा पहचाना, यह अस्तिक्य की मां है, यह अस्तिक्य की मां है, नहीं नहीं यह अस्तिक्य की मां नहीं है, अस्तिक्य की मां तो ये है, क्यों भैया प्रशम सव्यग और अनुकंपा की तरफ से क्यों परिचय नहीं कराया जा रहा, जो महत्वपूर्ण होता है परिचय उसकी तरफ से होता है, ठीक है, बस आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आज हमको छह प्रश्नों पर चर्चा करनी है, अभाव किसे कहते हैं इसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं पहले, और उसके भेद प्रभेद की भी चर्चा करनी है। सबसे पहले एक अब दृष्टि यहां पर दीजिए सब, तो मैं नया प्रकरण प्रारंभ कर सकूं, जो लिखना लिख लीजिए, अभी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिनको परिभाषा लिखने का भाव है वे परिभाषा बाद में लिखे, क्लास होने के बाद, जो जिनवानी में लिखा है वही यहाँ पर नोट्स में नहीं लिखना, नई चीज कुछ आती है तो आप लिख सकते हैं। देखिए प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है, प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं, ये लगातार मैं कहता रहा हूं आपको, ठीक है, और परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं तो उसमें एक युगल उठाओ कोई भी, एक धर्म युगल ज्ञान में लो, वैसे तो अनंत धर्म युगल है लेकिन एक धर्म युगल आप दृष्टि में रखो, भाव अभाव, कौन सा, हाँ, प्रत्येक वस्तु में भाव धर्म भी है अभाव धर्म भी है, प्रत्येक वस्तु में भाव धर्म भी है अभाव धर्म भी है, कैसे है, एक बात समझना, वस्तु में भाव धर्म तो भाव रूप से है ही, लेकिन अभाव धर्म भी अभाव रूप से नहीं है, अभाव धर्म भी भाव रूप से ही है, क्योंकि धर्म तो धर्मी में भाव रूप से ही रहते, कितने जन समझ रहे, भाव मतलब विद्यमानता, अस्तित्व होना, ठीक है, भाव ये भू धातु से हुआ है, ठीक, तो प्रत्येक वस्तु भाव अभावात्मक है, क्या कहा मैंने, प्रत्येक वस्तु भाव अभावात्मक है, अर्थात प्रत्येक वस्तु है भी और प्रत्येक वस्तु नहीं भी है, जिस समय वह है उसी समय वह नहीं है, जिस समय वह है उसी समय वह नहीं है, तो वस्तु अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, आपको याद होगा, तो देखो यह हाथ है कि नहीं है, यह हाथ, ये जो मैंने उठाया ना अभी हाथ, यह हाथ है कि नहीं है, कितने जनों का कहना है, कितने जनों का कहना नहीं है, अच्छा अभी देखिए बराबर, यह हाथ है भी और यह हाथ नहीं भी है, कैसे अनेकांत घटित को, यह हाथ दाया हाथ है, बाया हाथ नहीं, बस
यह हाथ है, यह हाथ नहीं है, यह हाथ है, यह हाथ नहीं है। आप समझे? तो हाथ है कि नहीं है? है भी और नहीं भी। अपनी तरफ से देखो तो वो है, और दूसरों की तरफ से देखो तो वो नहीं है। ठीक है, एक हाथ का अस्तित्व अपने ही में है, उसका अस्तित्व अन्य किसी में भी नहीं है। चलना आगे। अभी दोनों हाथ मैं आपके सामने खड़ा करता हूं, ये भी भाव अभावात्मक है और ये भी भाव अभावात्मक है। ठीक, यह हाथ इसी हाथ रूप बना रहता है, राइट हैंड रूप ही बना रहता है, ये राइट हैंड का भावपना। ठीक, राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूप नहीं होता, ये राइट हैंड का अभाव धर्म। लेफ्ट हैंड ही रूप बना रहता है, ये लेफ्ट हैंड का भाव धर्म। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूप नहीं होता, ये लेफ्ट हैंड का अभाव धर्म। समझ रहे आप? हमारे अभाव धर्म के कारण हम अन्य रूप नहीं होते, और अन्य जो हम रूप नहीं होता वो अन्य के अभाव धर्म के कारण। कितने जन समझ रहे? हम अन्य रूप नहीं हो सकते क्योंकि हमारा अभाव धर्म के कारण, और अन्य हम रूप नहीं हो सकता उनके अभाव धर्म के कारण। अभाव धर्म भी कोई एक नहीं है, अभाव धर्म तो जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुएं में सब में अभाव धर्म है। ठीक है, अब मुझे बताइए, एक ही कटोरी में शक्कर भी है दूध भी है, दूध दूध रूप ही बना रहता है, बोलिए कारण? कारण कारण यह दूध का भाव धर्म। शक्कर शक्कर ही रूप बनी रहती है, बोलो क्यों? कारण यह शक्कर का भाव धर्म। शक्कर दूध रूप नहीं होती, बोलो ये शक्कर का अभाव धर्म। दूध शक्कर रूप नहीं होता, बोलो ये दूध का अभाव धर्म। बस ठीक है, दोनों सभी वस्तुएं अपने रूप बनी रहती है और अन्य रूप नहीं होती। ये दुतर्फी वज्र की दीवार। क्या? अपनी वस्तु अपने रूप भी बनी रहती है, ये वज्र की एक दीवार, और अपनी वस्तु अन्य रूप नहीं हो सकती, ये वज्र की दूसरी दीवार। और दूसरी वस्तु की तरफ से देखो तो उसकी भी उसी वस्तु रूप होने की ताकत, ये तीसरी वज्र की दीवार, और वह भी इस वस्तु रूप नहीं हो सकता, ये चौथी वज्र की दीवार। दो वस्तु आपस में एक रूप नहीं होती, इसमें चार वज्र की दीवारें हैं। समझ में आता है? दोनों तरफ से ना उनको चाहिए ना हमको लेना है। मैंने एक दिन आपको कहा था, झगड़ा कब हो सकता है? एक जन को चाहिए और एक जन को देना नहीं, झगड़ा तब होता है। ध्यान रखना, एक जन को नहीं चाहिए और दूसरों को देना है तब भी झगड़ा हो सकता है, और एक जन को चाहिए और दूसरे को नहीं देना है तब भी झगड़ा है। लेकिन एक को नहीं चाहिए और दूसरों को नहीं देना है, बोलो बोलो, तब कोई झगड़ा ही नहीं है। ठीक है, चलना है आगे। वस्तु को किसी अन्य वस्तु से कुछ नहीं चाहिए, और कोई दूसरी वस्तु भी दूसरी किसी अन्य वस्तु को कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। मैं भाव अभाव बोल दिया, कितने जन समझ रहे इस भाव अभाव को? मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। भाव अभाव को ही हम कह सकेंगे सत असत। प्रत्येक वस्तु सत असत है, अपने स्व चतुष्टय की अपेक्षा से सत, पर चतुष्टय की अपेक्षा से असत। इतना भी पकड़ में आ रहा होगा, मैंने बहुत पहले सिखाया है आपको, बिल्कुल प्रारंभिक कक्षाओं में, और मैंने तब यही आपको कहा था, असत वे लोग ये कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत असत है वे मानते हैं, और हम क्या मानते हैं? जगत हमारी अपेक्षा से असत है।
कितने जन को याद है ये मैंने पढ़ाया था, कितने जन को याद है ये मैंने पढ़ाया था। जगत असत है क्या? जगत हमारी तरफ से असत है, उनकी तरफ से पूरा सत है, और हम भी उनकी तरफ से देखो तो असत है। हमारा उनमें प्रवेश नहीं, उनका हमारा में प्रवेश नहीं। तो भाव अभाव को हम सत असत भी कह सकते हैं, हम अस्ति नास्ति भी कह सकते हैं। ये तीनों पर्यायवाची है। प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति रूप है, अपने स्वचतुष्टय की तरफ से उसकी अस्ति है, पर चतुष्टय की तरफ से उसकी नास्ति है। चतुष्टय समझते हो आप क्या? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ठीक, हमारा स्वद्रव्य परद्रव्य रूप नहीं होता, हमारा स्वक्षेत्र परक्षेत्र रूप नहीं होता, हमारा स्वकाल परकाल रूप नहीं होता, हमारा स्वभाव परभाव रूप नहीं होता, आत्मा पुद्गल रूप नहीं होता। यह स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता। और बोलो आगे, असंख्यात प्रदेश हमारे अन्य द्रव्य के प्रदेश रूप नहीं होते, ये स्वक्षेत्र परक्षेत्र की भिन्नता। हमारी वर्तने वाली पर्याय वो अन्य की वो पर्याय रूप नहीं होती, ये दोनों के काल की भिन्नता। और हमारा ज्ञान आदि वैभव ये अन्य किसी द्रव्य के गुणों रूप नहीं होता, ये भाव की भिन्नता। चलना है अभी आगे, चलना है आगे। देखिए ध्यान से सुनो, सब सुनिए अभी। अभाव मतलब क्या? अभाव मतलब नहीं होना, ऐसा अर्थ नहीं करना। अभाव मतलब एक वस्तु का अन्य वस्तु में नहीं होना। ठीक है, जैनेतरों ने एक तुच्छा भाव माना है। ये तुच्छा भाव क्या है? सर्वथा नहीं होना, उसको वे अभाव मानते हैं। लेकिन जैनियों ने तुच्छा भाव नहीं माना है, वे वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं मानते। वे यह मानते हैं कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु में नहीं होना। वस्तु सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं, वस्तु स्वयं की अपेक्षा से तो है, दूसरों की अपेक्षा से नहीं है। आप हमारे पास पैसे मांगने आए, क्या नाम है आपका? सम्यक। पैसे मांगने आए, पैसे चाहिए 10 रुपए। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। ये सम्यक गए, जितने में प्रांजल आए मेरे पास, पंडित जी पैसे चाहिए। मैंने कहा ले लो ना 10 रुपए। इन्होंने कहा क्यों? सम्यक ने कहा क्यों पंडित जी, अभी तो आप कह रहे थे पैसे नहीं है। बोलो मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए तो मेरे पास पैसे है, तुम्हें देने नहीं है इसलिए तुम्हारे लिए नहीं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु बोलो स्वयं की अपेक्षा से है, दूसरों की अपेक्षा से नहीं। भाव अभाव चल रहा है। जैनेतरों ने क्या माना? वस्तु का सर्वथा नहीं होना अभाव। जैनी क्या कहते हैं कि वस्तु का सर्वथा नहीं होने की तो बात नहीं है, लेकिन वस्तु का अन्य वस्तु में नहीं होना अभाव। एक पदार्थ का तो अभाव की परिभाषा में हम पहुंच गए, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना अभाव है। बस अभाव की परिभाषा कितने जन को अभी ख्याल में आई? बस आकाश कुसुमवत। क्या बोला? आकाश के फूल की भांति। आकाश नहीं है ये बात नहीं है, फूल नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन आकाश में फूल नहीं है। ओके, आकाश भी है फूल भी है लेकिन आकाश में फूल नहीं है। गधे भी है, आगे बात को पूरी करो कोई, गधे भी है सींग भी है लेकिन गधे में सींग नहीं लगा है। ठीक, अभी आगे चलते हैं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना अभाव, यहां तक आए। अब पदार्थ किसको कहते हैं? द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को भी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों को पदार्थ कहते हैं, तीनों को अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ए जल्दी कोई उठेगा, प्रवचन सार सबके हाथ में दे देगा। जल्दी जल्दी जल्दी,
आज ही के दिन में मुझे पूरा करना है, है? अर्थ पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय तीनों को अर्थ कहते हैं, ठीक है, अथवा पदार्थ भी कहते हैं तीनों को। बोलो, सब वस्तु तो अनादि अनंत है। हाँ, तो हमारा काल दूसरे काल से। बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित हुआ है, अभी मैं थोड़ा दो मिनट बाद आऊंगा आपके प्रश्न में, पहले मैं मेरा प्रकरण पूरा करो। मैंने क्या कहा, द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों को अर्थ, ये संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम, नाम है। अर्थ यह शब्द रित धातु से बना है, कौन से धातु से, रित ऋषि, ऋषि वाला रि, रित धातु से बना है। रित का अर्थ होता है प्राप्त करना या प्राप्त होना। अभी तीनों को अर्थ कैसे संज्ञा होगी कोई बताएगा? एक ही है प्रवचन सार ग्रंथ, और है कोई? कुछ नहीं, एक भी नहीं है यहां पर। देखो ले आओ, इसमें भी है क्या? देखो एक प्रवचन सार, इसमें मिला तो देख लो। चलो, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था, पदार्थ को अर्थ को बाधे की है। अर्थ का अर्थ यह रित धातु से बना है। रित का अर्थ होता है प्राप्त, तो अभी तीनों में परिभाषा कैसे तैयार हो जाएगी आप बताएंगे? अरे वाह, बोलो। को प्राप्त है, द्रव्य गुण और पर्याय में प्राप्त है, इसलिए द्रव्य भी है अर्थ। गुण द्रव्य के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए वह भी अर्थ है, और पर्याय भी प्राप्त होती है द्रव्य के माध्यम से, इसलिए वह भी अर्थ है। बस बोलो, रित का अर्थ प्राप्त होना या प्राप्त करना। प्राप्त होना गुण और पर्याय की तरफ से, और प्राप्त करना द्रव्य की तरफ से। वैसे ऐसा भी अर्थ लगा सकते, बैठिए, गुण भी प्राप्त होता है पर्याय को। क्या कहा, गुण पर्याय होता है, प्राप्त होता है कि नहीं पर्याय को? कैसे प्राप्त होता है? एक ज्ञान गुण समस्त मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान को प्राप्त होता है कि नहीं? उसमें व्यापक है कि नहीं? एक कितने जन समझ रहे हैं, एक होता है व्यापक, एक होता है व्याप्य। मैंने आपको कहा था एक बार, याद आ रहा है, द्रव्य है व्यापक और गुण पर्याय है व्याप्य। उदाहरण दिया था मैंने कि यह पूरा धुआं भर गया मंदिर में, तो धुआं है व्यापक, मंदिर है व्याप्य। कितने जन को याद आ रहा है, ये उदाहरण दिया था, व्यापक व्याप्य, द्रव्य है व्यापक और गुण है व्याप्य। यदि गुण को कहेंगे व्यापक तो पर्याय है व्याप्य, यदि पर्याय को कहेंगे व्यापक तो अविभाग प्रतिच्छेद है व्याप्य। कितने जनों का अर्थ समझ में आ रहा है? यदि द्रव्य है व्यापक, गुण है व्याप्य, पर्याय को भी कहेंगे व्याप्य, अविभाग प्रतिच्छेद को भी कहेंगे व्याप्य। यदि गुण को कहेंगे व्यापक तो पर्याय को कहेंगे व्याप्य, अविभाग प्रतिच्छेद को कहेंगे व्याप्य। यदि पर्याय को कहेंगे व्यापक, अविभाग प्रतिच्छेद को कहेंगे व्याप्य। इनका व्यापक व्याप्य संबंध है, कोई प्राप्त होता है कोई प्राप्त करता है। तो प्राप्त ये रित धातु से बना है, रित धातु का अर्थ है, और रित धातु से बनता है अर्थ, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों अर्थ संज्ञा को प्राप्त, अर्थ संज्ञा कहलाती है। तीनों का नाम कह लिया हमने, द्रव्य गुण पर्याय का अर्थ पदार्थ। अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना, इसे अभाव कहते हैं। इससे मुझे आपसे कितने फॉर्मूले कराऊं मैं अभी आपको, आप मुझे पूरे फॉर्मूले करके दिखाएंगे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। अब उससे पहले, फॉर्मूले के पहले, अब हम इनके प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे, फिर फॉर्मूले के मैं आ जाऊंगा मैं, ठीक है? बोलो भाई, क्या प्रश्न है आपका? आइए आइए यहां पर, पहले इनकी तो शाबाशी दूंगा मैं, इनकी तो शाबाशी, तो रोज का धंधा इनका, इनको नई बात नहीं है कुछ। ये शाबाशी किसके लिए दी मैंने, आप सोच समझ कर सुन रहे हैं, ठीक है, वैसे ही नहीं सुन रहे। देखो,
इनका प्रश्न है स्वकाल और परकाल को समझाइए, क्षेत्र हमारी प्रॉपर्टी अलग उनकी प्रॉपर्टी अलग, ये तो समझ में आया। हमारा क्षेत्र अलग 2 एकड़ का और उनका 2 एकड़ अलग, ये भी समझ में आया। वे गन्ना बोएंगे और हम गेहूं बोने वाले हैं, ये भाव भी न्यारा न्यारा, क्योंकि उनकी मिट्टी चिकनी है हमारी मिट्टी थोड़ी रूखी है, ये भाव भी अलग अलग समझ में आया। लेकिन काल अलग अलग कैसे होगा? काल ऐसे अलग होगा कि हमारे 10 दिन खेती अच्छी रहेगी, आपकी 20 दिन अच्छी रहेगी, ऐसा। उसी प्रकार दो द्रव्य में इस द्रव्य का अनादि अनंत काल अलग और दूसरे द्रव्य का अनादि अनंत काल अलग, कोई काल किसी में नहीं मिलता। हम इसको ये भी कह सकते हैं उसकी पर्याय अनादि से लेकर अनंत तक की, इसकी कोई भी अनादि से लेकर अनंत काल तक की पर्यायों में मिलती नहीं, जुलती नहीं। कितने जन समझ रहे बात को? बस ऐसा अर्थ करना, क्यों एक ही मिला प्रवचन सार? ऐसे कैसे हो गए? कल परसों अपने 4 निकाले थे ना प्रवचन सार, 5 या 6 परसों ही निकाले थे। आपने देखा इस अलमारी में? देखना जरा, 5-6 तो परसों ही निकले थे। कहा गए? कहा मंदिर से बाहर, गजब हो गए। चलो सुनिए सुनिए, अभी सब है ना। देखिए अब मैं फॉर्मूलास पूछूंगा आपको। ए आप लोग आइए, ये 9th वाले भैया देख रहे हैं, आप आइए, आपका विषय चल रहा है, आप बैठिए। कितने फॉर्मूले बनेंगे आप इसमें? मूल क्या चीज है? मूल क्या चीज है हमारे पास? बराबर, मूल हमारे पास एक लाइन है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना, अभाव। और क्या है डाटा हमारे पास? डाटा और क्या है? डाटा हमारे पास और क्या है? गिवन। तभी तो आगे के आपके सूत्र बनेंगे उत्तर। एक फॉर्मूला आपके पास ये है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना, अभाव। और क्या चीज है आपके पास? राइट। आपको शाबाशी हो गई क्या? खाता नहीं खोला आज तक आपका? खुल गया है, आज फिर से खोलना है क्या? खुल गया। लेकिन अच्छे बात कहिए। दूसरी बात हमारे पास है द्रव्य, गुण और पर्य को अर्थ कहते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको बहुत सारे इक्वेशन फाइंड करने हैं। कितने इक्वेशन हो सकते हैं? अब सोचिए, मुझे बताइए। कितने जन के हाथ में प्रवचन सारा आ गया? आप तो एक ही जन हाथ ऊपर करो तो मुझे पता चलेगा। तो कुल 3-4 निकल पाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होकर बैठिए और एक दूसरों से शेयर करने का प्रयास करें। एक प्रवचन सार पीछे देकर आइए, कोई एक प्रवचन सार पीछे देकर आइए। पन्ना साहब उठो उठो जरा। ठीक है, मैंने आपको क्या पूछा है? अभी आपको क्या बताना है मुझे? कितने इक्वेशंस निकलेंगे आपको? आपसे कुछ बन रहे हैं? चलो 87वीं गाथा खोलिए आप, 87वीं 87। इस 87 गाथा को खोलेंगे आप, देखिए क्या लिखा है। पढ़ू? द्रव्य गुण और पर्यायों में, द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। मिल रहा है? यहां पर भी देखे, री धातु में से अर्थ शब्द बना है। नीचे देख रहे फुटनोट, री अर्थात पाना, प्राप्त करना, पहुंचना, जाना। ठीक, अर्थ अर्थात जो पाए, प्राप्त करे, पहुंचे, अथवा जिसे पाया जाए, प्राप्त किया जाए, पहुंचाया जाए, ऐसा। कितने जन को अभी समझ में आया? मैंने जो कहा है उसमें कोई फर्क है यहां? किंचित? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको यहां से क्यों पढ़ाया? क्यों आपको ख्याल में आए ग्रंथों को पढ़ना बहुत सरल है प्रवेशिका पढ़ने के बाद? इसलिए तो इसका नाम एंट्रेंस है, एंट्रेंस। ये इसके माध्यम से आप प्रवेश कर जाओगे, आपके हाथ में आएगा पूरा माल। जिनवानी बोलो, कोई प्रश्न किसी के पास? बोलिए। रीकार्ड पाना, प्राप्त करना तो सिद्ध हो गया, और पहुंचना और जाना
वही एक ही बात है, यहाँ पर पहुंचना और जाना कोई गमन करने की अपेक्षा बात नहीं है, व्याप्त तो होने की अपेक्षा बात है, कितने जन को समझ में आया। यहाँ पर जाना मतलब गमन करना ऐसा नहीं, व्याप्त तो होने को ही जाना कहते हैं। बस हम भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, तो सर्वव्यापी मतलब सब जगह जाना ऐसा अर्थ नहीं करना, सबको जानता है ऐसा अर्थ हमने किया। व्याप्त का अर्थ जाना का, जाना का अर्थ यहां जाना नहीं लेना, व्याप्त तो होना लेना, ठीक है। हाँ बोलो, चक्कर आ रहा है, बिल्कुल यू कैन गो इनके साथ, और एक जन जाओ। ए भैया समय, तुम भी जाओ इनके साथ। क्यों भाई, तुम खाए पिया नहीं क्या आज कुछ? क्या खाया? क्या खाया? पेट भर खाया क्या? तो फिर ऐसे कैसे हो गए? धूप में गए थे गेम खेलने, कल से धूप में नहीं जाओ तुम, अब बैठे रहो। सुनिए आपको, चलो तुम पहले जाओ पहले। ये देखो कौन कौन जाता है वहां पर खेलने धूप में, कंपलसरी है क्या? देखो आप जानते हो, कल एक सीनियर भैया, मुझे नाम नहीं पता, उनको बहुत तकलीफ हुई है धूप के कारण, और मैंने उनको बोल दिया भाई तुम क्यों जाते हो, नहीं जाओ आप ऐसे, कोई सेंस नहीं है उसमें फालतू। मैंने तो उनको कहा मन बने आधा घंटा या हॉल में आ जाना, वहां पर चेतन बसेर छाया में कुछ खेल लेना, कुछ नहीं है उसमें उपलब्धि, आप अपने ज्ञान में समय लगाओ पूरा। अभी धूप में कहीं खेला जाता है, और आप बैडमिंटन भी खेले माने, अरे लेकिन पसीने से तर बतर हो रहा है आदमी, कोई खेलना कौन सा स्वास्थ्य अनुकूल है ये, आप समझ रहे हैं? ये तो इनके प्रयोजन के पीछे ये कैंप लगा रहे, स्कूल का ऐड करना वगैरह जो भी होगा, ये तो ठंड के दिनों में खेलना बात अलग, अभी कोई खेलने की बात है क्या इतनी गर्मी में? चलिए आगे बढ़ना है, कहाँ तक बढ़े हम? भगवान सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं है, बस वे बस सभी कहाँ तक आए हम? अभी देखो द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से अर्थ है, ये आपको थोड़ा कठिन जाएगा, छोड़ो इन बातों को। मूल गाथा सबको समझ में आई, मुझे क्या कहनी थी? द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही जाती है, बस इतना ही कहना था। और ब्रैकेट की भी पढ़ लीजिए वही के आगे की, गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है, इस प्रकार उपदेश है। मिला सबको? ओके अभी देखिए मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। देखो फॉर्मूले देखते हैं अब हम, उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, ये सोना सोने में द्रव्य गुण परे कौन घटित करके दिखा सकता है? द्रव्य गुण परे कौन घटित करके दिखाएगा सोने में? नहीं कहेंगे आप, बस सोना ये द्रव्य, पीलापन गुण और कुंडल हार पर्याय, बोलो मैंने कभी लिया था क्या इसको? लिया था मैंने, मैंने कहा था ये एक देश सत्य कथन है, खरे खरे विचार किया जाए तो पीलापन भी गुण नहीं है, पीलापन तो पर्याय ही है, और जिसको कुंडलहार आदि पर्याय कह रहे हैं वो भी व्यंजन परेली है इन्होंने, पर व्यंजन पर्याय मतलब आकार से संबंधित क्या, ठीक है। वैसे तो पीलापन स्वयं ही पर्याय है, और सोना जिसको द्रव्य कह रहे हैं वो भी सचमुच क्या है बोलो? अरे वो भी द्रव्य पर्याय ही है, पर्याय क्यों है बोलो कोई? क्योंकि परमाणु को द्रव्य कहते हैं भाई साहब, स्कंद को तो पर्याय कहते हैं, कितने जन समझ रहे हैं? इसका मतलब द्रव्य गुण और पर्याय, जो सोना पीलापन और हार, हमने ऐसे उदाहरण दे, कायदे से तो तीनों पर्याय ही है, लेकिन ऐसा क्यों उदाहरण देते फिर? अरे नए लोगों को समझने के लिए। सोना जिसको हम कह रहे इतनी डली उठाई सोने की, वो स्वयं पर्याय है क्योंकि वो स्कंद है, एक परमाणु को कहते पुद्गल द्रव्य, और पीलापन भी पर्याय है,
और कुंडल भी पर्याय है, तीनों पर्यायों में ही हमने द्रव्य गुण पर्याय डाल दिया। कितने जन को समझ में आ रहा है? ये मैंने कभी लिया था क्या? लिया था क्या पहले? तो नहीं तो फिर मैं ज्यादा नहीं लूंगा। फिर यहाँ पर क्या है फॉर्मूले तो लेने ही है मुझे, तो और प्रकरण दिख रहा है। ये टीका में ही थोड़ा सा पढ़िए, देखिए उसमें जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, चौथी लाइन टीका की, उसमें जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते पहुंचते हैं अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं पहुंचते हैं अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे गुण। जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं पहुंचते हैं अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे पर्याय। कितने जन समझ में आ रहे हैं? ये क्रम परिणाम ये शब्द डाला, कितने जन को समझ में आया क्रम परिणाम? मैंने एक दिन बोला था द्रव्य गुण और पर्याय को प्राप्त होता है, इसको कैसे बोला जा सकता है? द्रव्य अक्रम रूप से गुणों को प्राप्त और क्रम रूप से पर्यायों को प्राप्त है। याद आ रहा है किसी को मैंने लिया था? द्रव्य अक्रम रूप से गुणों को प्राप्त और क्रम रूप से पर्यायों को प्राप्त है। ये पूरी चर्चा इसमें आएगी, और भी आप टीका पढ़ेंगे आपको बहुत जानकारी इसमें मिल जाएगी। जो कुंडल वगैरह का मैंने बोला ना, सोना पीलापन कुंडल, ये उसकी पूरी बात इसमें आएगी। ठीक है, ऐसा बोलेंगे वे कि द्रव्य के समान द्रव्य के द्रव्य स्थानीय स्वर्ण देख देख लीजिए। चलो जैसे द्रव्य स्थानीय स्वर्ण, द्रव्य स्थानीय स्वर्ण मतलब क्या बोलो? द्रव्य स्थानीय स्वर्ण मतलब क्या बोलो? द्रव्य के स्थान पर स्वर्ण, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? द्रव्य के स्थान पर स्वर्ण और फिर ऐसा क्यों बोला द्रव्य स्थानीय? स्थानीय क्यों बोला? द्रव्य स्थानीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मूल में वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य के स्थान हाँ पर्याय है मूल में, असमान जाति ये सॉरी समान जाति द्रव्य पर्याय, कायदे से वो द्रव्य है पर्याय है, लेकिन फिर भी उसको द्रव्य कह रहे। तो क्या द्रव्य के स्थान पर लीजिए आप उसको, एजुम सपोज करिए कल्पना। ठीक है चलिए, अभी ये हो गया प्रकरण। अपने को अभी फॉर्मूले कितने बने हैं मुझे बताइए। अब अंशु अब बैठना है, वो अंशु काम लगा है, जाओ जल्दी जाओ, काम बिगड़ जाएगा नहीं तो। चलो कोई बताएगा क्या क्या बन रहा है? मैं बना के दिखाता हूं, फिर आपको बना के दिखाऊं। देखिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना अभाव, एक गुण का दूसरे गुण में ना होना अभाव, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में ना होना अभाव। तीन तो निकल आई, और बनाऊं? एक द्रव्य का गुण में ना होना अभाव, ठीक, एक द्रव्य का पर्याय में ना होना अभाव, गुण का द्रव्य में ना होना अभाव, गुण का पर्याय में ना होना अभाव, पर्याय का द्रव्य में ना होना अभाव, पर्याय का गुण में ना होना अभाव। ये कितने जन को समझ में आए? नौ फॉर्मूले हमारे खड़े हो गए। कितने? नौ फॉर्मूले। कितने जन बहुत अच्छे से समझ गए? हाथ ऊपर करिए। हमने किया क्या है वैसे? हिंट कौन देगा? किया क्या है वैसे हमने? हमने क्या किया कौन बताएगा? अच्छे शब्द में बताओ। हाँ बोलो। हमने अर्थ की जगह द्रव्य गुण और पर्याय डालते गए, बस इतना किया है। क्या क्या हमने अर्थ की जगह द्रव्य गुण और पर्याय अल्टा पलट करते गए तो हमको नौ चीजें मिल गई। अभी हम नौ चीजों में भी थोड़ा परीक्षण करना है हमको। क्या है क्या है बोलो? जैसे एक द्रव्य का गुण में ना होना, हाँ, और एक गुण का द्रव्य में ना होना, हाँ, एक बात नहीं नहीं होगी ऐसा। मैं अभी आगे चलता हूँ। ए देखिए सुनो यहाँ पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ दो द्रव्य में तो हमने भाव अभाव पना देखा ही था। अब मैं ये कह रहा हूं द्रव्य गुण और पर्याय में भी भाव अभाव पना होता है। द्रव्य का गुण में अभाव, क्या कहा? द्रव्य का अपने में भाव और द्रव्य का गुण में अभाव, गुण का गुण में भाव
गुण का पर्याय में अभाव, ये भाव अभाव कथनचित भाव अभाव है। क्यों क्यों बोलिए क्यों? सर्वथा यह अलग नहीं है कोई दो द्रव्य जैसे, समझ में आता है? क्या कहा मैंने? कितने जन ने बात को समझा? कितने जन ने बात को समझा? एक जन भी नहीं समझ रहा है। एक आध जन ठीक है, जैसे दो द्रव्य में लगा रहे थे, अभी हम किस में लगाने लग गए हैं? तीनों अर्थों में लगा रहे, भाव अभाव पाना। वैसे यही प्रकरण मैंने लगभग 15-20 दिन पहले पढ़ाया था, ठीक है, उसको तो ये रिपीट ही कर रहा हूं एक प्रकार से, क्योंकि ये प्रकरण खड़ा हुआ है फिर से। तो मैं ये कह रहा हूं, द्रव्य का द्रव्य में भाव, द्रव्य का गुण में अभाव, द्रव्य का द्रव्य में भाव, द्रव्य का पर्याय में अभाव, द्रव्य का गुण में अभाव कैसे? क्योंकि द्रव्य और गुण सर्वथा बराबर नहीं है एक, क्योंकि गुण तो अंश है, द्रव्य तो अंश ही है, तो अंश और अंश एक कैसे होंगे? हाथ और पूरा शरीर एक होंगे क्या? शरीर किसी का, कोई आदमी है तो हम कहेंगे हाथ आ रहा है एक, नहीं कहेंगे। तो इसमें कथनचित भाव भाव है और कथनचित अभाव है, समझ में आ रहा है क्या कहा? आगे बढ़ते हैं अभी मैं ये कह रहा हूं कि द्रव्य गुण परे में हमने लगाया अभाव। अभी देखिए, लेकिन इनके नाम अलग अलग होंगे। अभी कैसे नाम अलग अलग होंगे? पहला फॉर्मूला क्या है आपका? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, वहां पर एरो करके लिख देंगे बीच में डैश डैश अभाव, कौन सा? अत्यंत अभाव। क्या लिखेंगे? अत्यंत अभाव। जितने भी द्रव्य होते हैं उनका आपस में अत्यंत अभाव होता है। कौन? जैसे जीव और शरीर यहां पर रहते हैं, उनका आपस में क्या है? अत्यंत अभाव। अभी कोई और उदाहरण देगा मुझे? धर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य में, दो जीवों में, दो परमाणुओं में अत्यंत अभाव, ठीक है। काल द्रव्य में और जीव में, दो द्रव्य में अभाव और अत्यंत अभाव मान के चलिए आप, ठीक है। पुद्गल में थोड़ा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है इसमें? दो परमाणुओं का अभाव, क्या? अत्यंत अभाव। दो परमाणुओं में अभाव, बोलो ना, अत्यंत अभाव, ठीक है। अभी और एक बोलू मैं इसी में, अभी इसी में खुलेगा, जगह है क्या आपको? अलग से लिख सकते हैं क्या इसी में? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, कौन सा अभाव? अत्यंत अभाव। इसमें जरूरी क्या है, महत्वपूर्ण शर्त? इसमें प्रदेश की भिन्नता है। क्या है की भिन्नता है? क्षेत्र ही नहीं आ रहा है, इसलिए इनको कहते हैं अत्यंत अभाव, ठीक है। अभी मेरा एक प्रश्न है, बोलो, पुद्गल के स्पर्श गुण का जीव के ज्ञान गुण में कौन सा अभाव? इनका भी अत्यंत अभाव आएगा। दो दो द्रव्य में कहो, अथवा दो द्रव्य के अपने अपने दो गुणों में, या उनके अपने अपने दो पर्यायों में, ये कौन सा अभाव लगना? अत्यंत अभाव क्यों लगा? क्योंकि उनका क्षेत्र ही नहीं आ रहा है। अत्यंत अभाव कितने जन को समझ में आ रहा है? बस ये महत्वपूर्ण है समझना, ठीक है। पीलापन का अपने सुख दुख में अत्यंत अभाव, बहुत अच्छा, दोनों पर्याय, ठीक है। अत्यंत अभाव की चर्चा हुई, आगे बढ़ते हैं अभी पर्यायों का देखते हैं, पर्यायों का देखना है। अभी देखिए, एक पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना, प्राग अभाव। एक पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना प्राग अभाव, और किसी वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना प्रध्वंसाभाव। प्राग अभाव और प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव, प्राग अभाव,
प्रध्वंसाभाव, इसकी संधि विच्छेद, संधि विच्छेद भी मैं बताऊंगा आपको। सुनिए अभी, प्राग भाव की संधि विच्छेद क्या बनी, प्राक प्लस अभाव, प्राक प्राग भाव था ना, तो ग का होगा हलंत और अ बाहर निकल आया, तो प्राग अभाव। अब उसी को प्राक क हलंत भी कहते हैं। आपने कभी प्राक अभाव क्या शब्द बन गया, अभी संधि विच्छेद क्या हुई, प्राक अभाव। प्राक मतलब, प्राक मतलब पहले, प्राक मतलब पहले, ये कहीं पर पढ़ा है आपने प्राक मतलब पहले, ये प्राकृत बोल रहे हैं। अरे भाई कई पुस्तकों को आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, प्रीफेस, उसके एक पर्टिकुलर शब्द है, बोलो प्राक कथन। क्या आप देखिएगा आज जाकर हिंदी संस्कृत की पुस्तक खोल के फ्रंट पेज पर देखना, वहां पर मिलेगा आपको प्राक कथन। क्या मिलेगा, प्राक, प्राक मतलब पहले, प्राक मतलब पहले। अभी मुझे कहना क्या है आपको, प्राग अभाव मतलब पहले अभाव, पहले अभाव मतलब जैसे उदाहरण के रूप में अपन कोई उदाहरण खड़ा करो, दूध से बना दही, दही से बनी छाछ, मठा, दही से बनी छाछ, छाछ से बना मथा, उसको मथा, मक्खन, क्या बना मक्खन से बना घी। कितनी अवस्था ली हमने, दूध, दही, मठा, मक्खन, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, पांच अवस्था हुई, ठीक है, पांच अवस्था। और मूल वो वस्तु को क्या कहेंगे, सभी को एक नाम, गोरस, गोरस, ये गोरस की पांच अवस्था है, गोरस की पांच अवस्था है। आप बोलो भाई, दही के बाद क्या होता है, छाछ, मक्खन, घी। हाँ, आपने कभी देखा है कि नहीं मक्खन बनते, बस तो क्या पूछना है इसमें, चलो आगे बढ़ू मैं। अब मैं देखो, मैं पूछो आपको, इन पांच पर्यायों का एक दूसरों में भाव है कि अभाव है, इनमें भी भाव अभाव लग रहा है, कैसा भाव अभाव लग रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि दूध का दूध में भाव है, दूध का दही में अभाव है, दही का दही में भाव है, दही का दूध में भी अभाव, दही का छाछ में भी अभाव। कितने जन समझ रहे हैं, समझो भाई, समझो समझो, प्रत्येक पर्याय में भाव अभाव पना लगा रहे हैं अभी हम। इसके पहले हमने क्या लगाया था, दो द्रव्य में भाव अभाव पना लगाया, लगाया ना, अभी हम दो पर्यायों में लगा रहे हैं, लेकिन दो पर्यायों में कैसे लगा रहे हैं, कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना। फॉर एग्जाम्पल, मक्खन का छाछ में ना होना, यह प्राग अभाव, छाछ का बोलिए दही में ना होना प्राग अभाव, दही का दूध में ना होना प्राग अभाव, घी का मक्खन में ना होना प्राग अभाव। कौन उदाहरण बताएगा मुझे, मनुष्यों की तीन अवस्थाओं को लेकर प्राग अभाव का उदाहरण कौन बताएगा, मनुष्यों की तीन अवस्था को खड़ा करो, बचपन, बचपन का बुढ़ापा, बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापा, इसको मुख्य करके आप में से कोई मुझे प्राग अभाव का स्वरूप समझाए, बोलिए। बचपन का वृद्ध में ना होना ये प्राग अभाव और बुढ़ापा, बिल्कुल गलत, बैठिए बैठिए, बुढ़ापे का युवा अवस्था में ना होना प्राग अभाव, युवा अवस्था का बचपन बने में ना होना प्राग अभाव, पूर्व पर्याय में ना होना प्राग अभाव, ठीक है, प्राग अभाव पूर्व पर्याय में ना होना। पूछो और प्रश्न, आम के कौन सी पर्याय में ना होना प्राग अभाव है, बोलो,
पक्का का कच्चे में ना होना प्रागभा, बस ठीक है। अब मैं आगे बढ़ू, प्रध्वंस स्वभाव देखते हम, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना प्रध्वंस स्वभाव। अब इसके उदाहरण कोई देगा मुझे, बोलिए। बचपन का युवावस्था में ना होना प्रध्वंस स्वभाव, और युवावस्था का बुढ़ापे में ना होना प्रध्वंस स्वभाव। आप सब समझ रहे हैं, अभी हमने दो अभाव और देख लिए, कौन से, प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस अभाव की संधि विच्छेद कैसी बनेगी, प्रध्वंस प्लस अभाव। प्रध्वंस मतलब नाश, नाश होने रूप अभाव, नाश हुआ और इस रूप से अभाव हो गया, मतलब आगे की परे की तरफ संकेत हुआ। ठीक है, मैं अभी प्रश्न पूछू आपको, प्रागभाव प्रध्वंस अभाव सबको समझ में आया, ये आगे पीछे की पर्याय में लगता है, ध्यान रखना। मैं पूछू, बोलिए 98वीं पर्याय का, 98वीं पर्याय का क्या है, अच्छे से बोलो कोई भी, 98वीं पर्याय का क्या है। ऐसा नहीं बोलना है भाई, हाथ ऊपर चाहिए मुझे, सोचो। पहले तो ये बोलो, मैंने प्रश्न पूछा 98वीं पर्याय का क्या है, तो आपको बोलना 98वीं पर्याय का, 98वीं पर्याय में सद्भाव है अनेकांत, फिर 98वीं पर्याय का 97वीं पर्याय में ना होना प्रागभाव, 98वीं पर्याय का 99वीं के पर्याय में ना होना प्रध्वंस अभाव। कितने जन प्रागभाव और प्रध्वंस अभाव को समझ रहे, बहुत अच्छा। अब मैं बोलू, ये समझ कर लाभ क्या होना, ये समझ कर क्या लाभ होना, प्रागभाव प्रध्वंस अभाव समझ कर क्या लाभ होगा, सुनिए सुनिए। आज जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, वे कोई अनादि से सिद्ध नहीं है, पहले वे भी सब संसार अवस्था में थे, क्या वे कोई अनादि से सिद्ध नहीं है। आज की उनकी पर्याय का पहली पूर्व पर्याय में सिद्धों का संसार की पर्याय में प्रागभाव है, क्या है, वे कोई अनादि से वैसे नहीं है, वे तो आज है, क्योंकि पूर्व पर्याय का तो वे हुआ उनके, और ये पहले सिद्ध नहीं थे, मतलब पूर्व की पर्याय ये नहीं थी, इनका पूर्व में ऐसा अभाव है, ये प्राग भाव। ठीक है, प्रध्वंस अभाव समझ कर क्या लाभ होगा, प्राग भाव समझ कर क्या लाभ हुआ, कि कोई सिद्ध बने बनाए नहीं होते, ये सोचकर हमें क्या लाभ होगा, हम भी सिद्ध बन सकते हैं, राइट। अब इसमें प्रध्वंस स्वभाव भी छिपा है, आज का चोर आप उसको चोर चोर कहकर मत पिटाई लगाइए, आज का चोर सुधार होकर वो निरंजन बन सकता है, सप्तव्यसनी भी बन सकता है, अरे यड़ा सप्तव्यसनी तो है ही, सप्तव्यसनी भी निरंजन बन सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, क्यों, तो फिर और आज की पर्याय का उनको आगे भोगना पड़ेगा क्या कुछ, क्योंकि आज की पर्याय का उनकी आगामी पर्याय में प्रध्वंस स्वभाव है, संसार में कितने पाप किए थे इसलिए मोक्ष में कुछ भोगना पड़ेगा, क्यों नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि संसार अवस्था का मोक्ष अवस्था में प्रध्वंस स्वभाव है, आगे पीछे कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं दो पर्यायों का आगे पीछे, किसी गरीबी हुई हो बाद में अमीरी हुई हो, किसी की अमीरी हुई हो बाद में गरीबी हुई हो, कोई संबंध नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। संसार अवस्था का आगामी सिद्धावस्था में अभाव प्रध्वंस अभाव, ठीक, ये मतलब हमारी दशा सुधर सकती है, बदल सकती है, ये हमको विश्वास हो जाता है कि आगे पीछे की पर्याय का भी एक दूसरे में अभाव है, कोई किसी से प्रभावित नहीं होती, कोई माथा पकड़ के बोले अब मेरा जीवन ऐसा ही कटेगा भगवान, तो उसको समझना चाहिए कि एक कोई गलती से पूरा जीवन खराब जाएगा ऐसा नहीं, प्रत्येक पर्याय जो आ रही है वो आपस में अभाव वाली है, कोई संबंध नहीं है उनका आपस में, उनका कोई संबंध नहीं है, नई पर्याय आएगी वहां पर नया पुरुषार्थ होगा और नया काम होगा,
ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन देगा जो हाई कोर्ट ने दिया, ऐसा नहीं है। समझ में आता है क्या कहा? या पर नई पर्याय और आप नया पुरुषार्थ लगाओ और नया रिजल्ट आ जाएगा आपका। आप पूर्व पहले साल फेल हुए थे और इस साल पूरा पेपर अच्छा लिख लिया, तो फेल पने का इस पर कुछ असर पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं पड़ेगा। नया पेपर दो और नई किस्मत आजमाओ। ठीक है प्राग भाव प्रधान साहब, सबको समझ में आया? अब मैं एक प्रश्न पूछो, 98वीं पर्याय का 95वीं पर्याय में ना होना क्या है? वैसे आपको यह कहना चाहिए यह प्रश्न ही गलत है, कारण आगे पीछे की पर्याय में लगता है। और फिर यदि कहे तो परंपरा अपेक्षा से बोल सकते हैं, परंपरा 98वीं का 97वीं ना होना, 97वीं का 96वीं ना होना आदि आदि आदि, ऐसे आगे बढ़े तो बढ़े, सीधा कोई संबंध नहीं होता। आगे पीछे की पर्याय में प्राग भाव और प्रधान सभा लागू होता है। ठीक है आगे बढ़ू मैं? दो पर्याय में आपस में कौन सा अभाव होता है बोलिए? अभी पूर्व अभी तक की चर्चा का पूरा सार निकल के मेरा प्रश्न है, दो पर्याय में कौन सा अभाव? दोनों हो सकते हैं। क्यों अत्यंत अभाव नहीं हो सकता क्या? अत्यंत अभाव भी हो सकता है। ठीक है दो आमने सामने वाली पर्याय दो द्रव्य की, तो अत्यंत अभाव भी हो सकता है। और आगे पीछे की पर्याय हो एक ही गुण की दो पर्याय आगे पीछे की, तो उनमें प्राग भाव प्रधान सभा घटित होगा। अभी और एक अभाव हमको देखना है, अन्योन्य अभाव। इससे पहले और एक बात देखे हम, यदि प्राग अभाव न माने तो क्या दिक्कत आएगी? वस्तु अनादि की सिद्ध होगी। यदि प्रध्वंस अभाव नहीं माने तो क्या दिक्कत आएगी? वस्तु अनंत की सिद्ध होगी। ये तो आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, आगे पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना आगे। ठीक है देखिए सुनिए, पूर्व पर्याय का सुनो, मुझे क्या कहना था, कुछ बात चल रही थी, बोलो। एक और अभाव, अभाव बताने वाले क्या अभाव चलना था? नहीं, उससे पहले सुनिए, मैं ये कह रहा हूं यदि प्राग भाव न माने तो वह पर्टिकुलर पर्याय वो अनादि की सिद्ध होगी। कैसे? देखिए जैसे 98वीं की पर्याय का आप पूर्व में अभाव न माने, पूर्व में अभाव नहीं है मतलब यही पर्याय अनादि से, यह सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कितने जन को समझ में आई गई बात? यह पर्याय पूर्व में नहीं थी ऐसा हम बोल रहे हैं, और यदि हम नहीं थी ऐसा प्राग भाव का निषेध करें, इसका मतलब इसका पूर्व पर्याय में अभाव नहीं है। पूर्व पर्याय में अभाव नहीं है इसका मतलब वो सेम ही है पर्याय पूर्व में, तो सेम मतलब वही है, वही मतलब वही पर्याय अनादि की सिद्ध होगी। और ऐसा होता नहीं, क्योंकि द्रव्य प्रत्येक समय में परिणामी है। यदि प्राग भाव न माने तो वस्तु अनादि की सिद्ध होगी, यदि प्रध्वंस भाव न माने तो वस्तु अनंत की काल की सिद्ध होगी। ठीक है वहां पर भी प्रध्वंस भाव में ऐसा लगाना, क्या 98वीं की पर्याय के यदि 99वें पर्याय में हम अभाव माने ही ना, आगे कोई अभाव ही नहीं है, अभाव नहीं मतलब फिर सद्भाव ही मानना पड़ेगा, सद्भाव मानेंगे फिर तो यही अनंत काल की हो जाएगी पर्याय, चेंज ही नहीं ना आगे कुछ बोल रहे आप, तो यही अनंत काल यही पर्याय चलेगी फिर। ठीक है और ऐसा संभव नहीं है। अभी अन्योन्य भाव की चर्चा करनी है, अब ध्यान रखना अन्योन्य भाव वर्तमान कालीन दो पुद्गल स्कंदों में लगता है। क्या कहा? 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या सबको? चाहिए, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर अन्योन्य भाव को लेंगे। ओम नमः।